हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको ऑल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ट्रिपल सी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, कोरियल ड्रो, फोटोशॉप, टेली प्राइम आदि इन सभी टॉपिक पर वन बाई वन वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन पर आप सभी को क्लासेस मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे हाउ टू ट्रांजैक्शन इनटू योर पेमेंट वाउचर फॉर सिंगल मोड इन टेलीप्राइम। टेलीप्राइम में सिंगल मोड के लिए पेमेंट वाउचर में ट्रांजेक्शन एंट्री कैसे करते हैं, तो चलिए स्टूडेंट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में टेलीप्राइम में किस तरीके से ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। टेली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, तो सबसे पहले हम वाउचर पर जाएंगे। तो वाउचर पर जाने के बाद देखिए, यहां पर पेमेंट की शॉर्ट की है F5 होते हैं, जैसे F6 आपके रिसीव्ड वाउचर की है, F5 आपकी पेमेंट वाउचर की है। तो यहां पर सबसे पहले सिंगल एंट्री मोड, तो यहां पर जैसे पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिएगा एक ऑप्शन आता है चेंज मोड। तो यहां से देखिए दो तरीके से एंट्री करते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। सिंगल एंट्री इजी और सिंपल होती है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है या नहीं है। लेकिन डबल एंट्री मोड थोड़ी हार्ड होती है और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सीख सकते हैं। और डबल एंट्री मोड किस तरीके सीखते हैं, तो इसमें डीआर सीआर मतलब कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सीखने के लिए आप वीडियो नंबर पार्ट नंबर 15 डेबिट और क्रेडिट, यहां पर अकाउंटिंग गोल्डन, जो अकाउंटिंग आपके जो गोल्डन रूल्स हैं और जो मॉडर्न रूल्स हैं, दोनों तरीके से इजी स्टेप में समझाया गया है। तो आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को अवश्य देखें कि किस तरीके से डबल एंट्री मोड में आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो उसके लिए डीआर सीआर समझना बहुत जरूरी, मीन्स अगर हम डबल एंट्री मोड लेते हैं, यहां पर इंटर दबा तो देखिए यहां पर डीआर सीआर आ रहा है, लेकिन यहां पर वीडियो का थंबनेल जो आपने देखा है, क्योंकि डबल एंट्री मोड हम ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर के वो सभी वीडियो देख लीजिएगा, चाहे वो पेमेंट वाउचर हो, चाहे वो रिसीव्ड वाउचर हो, चाहे वो कॉन्ट्रा वाउचर हो, चाहे वो आपका जनरल वाउचर हो, हर एक वाउचर में आपका ये डबल एंट्री मोड यानी सीआरडीआर मैं समझा चुका हूं। तो अदर्स वीडियो आप जरूर देखिएगा, यहां पर सिंगल एंट्री मोड पेमेंट वाउचर में कैसे करते हैं। तो यहां पर हम सिंगल एंट्री पे देन इंटर प्रेस करें, तो यहां पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो लेके चलेंगे। बाकी जो वीडियो आप देखते रहिए, लेकिन डबल एंट्री मोड में जैसे मैंने बताया, वीडियो नंबर आप 15 और देख सकते हैं, वीडियो नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 देख सकते हैं। वहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें गोल्डन रूल्स क्या क्या है, और उससे भी आसान तरीके से पार्ट नंबर 15 वीडियो नंबर 15 में समझा गया है कि डेबिट क्रेडिट हम किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो पार्ट नंबर 5 और वीडियो पार्ट नंबर 15 ये आप अवश्य देखें, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा कि डबल एंट्री मोड में ट्रांजैक्शन कैसे कराते हैं और डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब चल आते हैं अपने टॉपिक पर कि हम पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए, यहां से हमने अभी बताया आपको चेंज मोड करके, तो स्टूडेंट सबसे ऊपर अकाउंट का ऑप्शन है, तो मींस यहां पर या तो आप कैश लेंगे या आप अगर किसी को आप चेक दे रहे हैं, तो यहां पर चेक का मतलब होता है बैंक, तो आप बैंक लेंगे। तो यहां पर देखिएगा कैश और दो बैंक के लेजर हैं। अब लेजर कैसे बनाते हैं, तो ये पार्ट नंबर 2 में दिया गया, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं। तो यहां पर हम अगर आप कैश दे रहे हैं, तो चलिए आप कैश या बैंक दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम कैश सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पेमेंट जो अभी कराना है वो कैश के थ्रू कराना है, तो कैश यहां सेलेक्ट करेंगे।
और पार्टिकुलर में यहाँ पर स्टूडेंट आप स्पेस की दबाएंगे, आप किसे पेमेंट देना चाहते हैं मींस। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिएगा हम पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का देना चाहते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लेंगे और ये मान लीजिएगा मई मंथ का हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आपका है, तो यहाँ पर 1200 रुपए डाल देंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। अगर आप एक ही बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल ही देना चाहते हैं आप आज की डेट में, तो आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल प्लस एसीआर इंटर दबा के एक्सेप्ट कर देंगे नरेशन डालने के बाद। और या फिर आप और भी इसी दिन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप स्पेस की दबाएंगे और भी देखिए इसमें पेमेंट होगा, जैसे कि आपका देखिए ऑफिस रेंट हो गया, ऑफिस रेंट आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफिस रेंट ले लेंगे, मान लीजिएगा 12,000, तो यहाँ पर ऑफिस रेंट हमने ले लिया यहाँ पर 12,000। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे हम और मान लीजिए और भी आपको देना, तो आप इसी दिन ऑफिस रेंट आपका हो गया, और हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए सैलरी अगर आपको किसी को देनी है तो यहाँ पर सैलरी ग्राम वाइज जो भी ऑफिस में जॉब करेगा सैलरी आपको देना, तो मान लीजिए 10,000 हमने किसी को यहाँ पर सैलरी दे दी, और यहाँ पर इंटर प्रेस करके स्पेस की दबा के और देखते हैं। और देखिएगा आपका यहाँ पर अगर स्टेशनरी या कुछ बिल है वो हम दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे मान लीजिए स्टेशनरी का कुछ 500 का कुछ हम लेके आए थे, उसका भी पेमेंट देना है। उसके बाद स्टूडेंट और भी हम देख लेते हैं, तो ऐसे करके या तो हम एक एक करा के एक्सेप्ट करा सकते हैं, अगर आपको एक साथ देना तो एक साथ भी दे सकते हैं, वो एज यू लाइक आपकी इच्छा, जैसे चाहे वैसे आप दे सकते हैं। और जैसे टी वाले का पेमेंट करना है, एक महीने का हो गया और आज 2 मई है, तो यहाँ पर हम 3,500 रुपए देखिए चाय वाले का, और भी आप जो भी देना चाहते हैं, ये सभी आपके एक्सपेंस हैं जो आपको 5 या 7 तारीख पहले हर महीने ये पे कराना पड़ता है। देखिए बैजिल मजदूर देना चाहते हैं, वाटर बिल मान लीजिएगा 1500 रुपए, तो यहाँ पर इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर हम एक ही दिन करना चाहते हैं तो ये सभी एक्सपेंसेस जो भी हमारे हैं ऑफिस के, तो ये सभी हम ट्रांजैक्शन एक ही बार करा सकते हैं या फिर आप एक एक करके भी करा सकते हैं, एज यू लाइक जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं, और ये हम सिंगल एंट्री मोड में यहाँ पर समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से इसे हम देन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर नरेशन लिंग ऑल एक्सपेंसिस पेड और देन एक्सेप्ट करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सिंगल एंट्री मोड में ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल और बहुत आसान है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब इसे एक बार चेक करते हैं। चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है डे बुक पर जाएंगे, डे बुक पर जाने के बाद देखिए यही पेमेंट वाउचर है यहाँ पर, और अल्ट पी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू हमें देखना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, जूम करेंगे, तो देखिए ये अगर आपके ओनर अगर आपके मालिक जैसा आप हिसाब देते हैं तो इस प्रिंट निकाल के फाइल में लगा देंगे और फाइल में पंच इसे कर देंगे। जब भी आपके ओनर जो मालिक हैं, बॉस हैं, जो आपके सर हैं, अगर वो मांगते हैं कि ये 28,700 रुपए कहाँ कहाँ आपने दिए हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर 2 मई 2021 को इलेक्ट्रिसिटी बिल 1200 रुपए, ऑफिस रेंट ये और सैलरी इतना, ये सब पूरा समझा सकते हैं, तो ये रिकॉर्ड आराम से फाइल में लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपका उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।